अम्बाला का पुना जिला प्रशासन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में लगा हुआ है और इसकी बरसक जो तारीफ है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी की है। एक पत्र उन्होंने अम्बाला के उपायुक्त के नाम लिखा है और अम्बाला के उपायुक्त इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, मुख्यमंत्री ने भरसक प्रशंसा की है, किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, इतने बिजी शेड्यूल से परमादरणीय मुख्यमंत्री जी ने समय निकाल के अम्बाला जिला प्रशासन की प्रशंसा की है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये सभी जो सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, इसमें सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सभी एनजीओज का, मीडिया साथियों का, सभी जिलावासियों का पूर्ण सहयोग रहा है। उन्होंने यह पूर्ण व्यवस्था अच्छे ढंग से चलाने में पूरी मदद की है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में भी वह पूर्ण तरह से अनुशासन बना के रखेंगे और बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे और एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सभी रखेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। सर, स्वास्थ्य विभाग की टीम से भी लगातार आप फीडबैक ले रहे हैं और नतीजा ये है कि दो लोग जो हैं वो अब काफ़ी रिकवर कर गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, हमने बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करवाया, आप सबको मालूम है, चाहे हमारा यूएलबीज का एरिया है शहरी, चाहे हमारा गाँव का एरिया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से बहुत ज़्यादा हमने स्प्रे करवाया है। और स्वास्थ्य विभाग, सभी डॉक्टर्स और सभी पैरामेडिकल स्टाफ, मैं उनको दिल से बधाई देता हूं कि दिन रात वह सेवा में लगे हुए हैं और इस भयंकर बीमारी पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और उनके प्रयासों की वजह से ही जो हमारे पॉजिटिव केसेज आए थे वो अब नेगेटिव होने शुरू हो गए हैं। दो केसेज, एक हमारा जमात वाले थे और एक हमारे शुरू शुरू में जो पंजाब के गुरप्रीत थे, वो दोनों अब नेगेटिव आ गए हैं। जल्दी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा ताकि आम जनता को किसी को भी अभी दिक्कत ना हो। सर, दुकानों का समय भी निर्धारित किया है, लोगों को कहीं ना कहीं क्या कुछ आदेश अब जारी किए हैं? ताकि जनता बेवजह से बाहर ना निकले, इसीलिए मार्केट्स का हमने समय निर्धारित किया है। और निर्धारित समय का मतलब भी ये नहीं है कि उस टाइम बगैर किसी कार्य के बाहर आएँ, बहुत मेडिकल इमरजेंसी हो तभी बाहर आएँ। तथा जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मेरा सभी से अनुरोध है, उनकी होम डिलीवरी उपलब्ध है, कृपया होम डिलीवरी पे ही उसके चीज़ों को प्राप्त करें और बाहर बिल्कुल आने से बचें, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और हमारी देश के अंदर बहुत अच्छा सफल रहा है, आपने देखा है, जो यूएसए है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, यूके है, कितना वहाँ पे महामारी फैल चुकी है। तो हमारे देश में सिर्फ जनता के अनुशासन की वजह से इसको हम कंटेन कर पाए हैं। और ये कोई स्टिग्मा नहीं है, अगर किसी को किसी वजह से कोरोना, फ्लू कुछ हो गया है तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना खान पान अच्छा रखें, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखें और एक पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखें, इस पर हम आराम से काबू पाएंगे। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जरा सी भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी संपर्क में पॉजिटिव पेशेंट के आए हैं, खुल के उनके बारे में बताएं ताकि उन पर सावधानी बरती जा सके और वह इस बीमारी से पीड़ित ना हो। सर, गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है, किसानों के लिए क्या कुछ इंतजाम है जिले में? देखिए, जैसे ही कंबाइन हार्वेस्टर हमारे आने शुरू हुए, हमारे ज़िले में सबसे पहले हमने उनको सैनिटाइज करने का कार्यक्रम किया। जो भी कंबाइन हार्वेस्टर दूसरे प्रदेश से हरियाणा में आ रहे हैं, सबसे पहले उनको स्टाफ सैनिटाइज करता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। और जितने भी उनके साथ स्टाफ जो आ रहा है, काम करने वाले जो मजदूर आ रहे हैं या ड्राइवर आ रहे हैं, उन सब की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। 10 डॉक्टर्स के कैंप हमने बॉर्डर्स पे लगाए हैं, जिसके पास मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होगा उसी को आगे आने की इजाज़त है। और मेरा सभी गाँव वासियों से भी अनुरोध है कि किसान भाइयों से अनुरोध है कि सभी का वो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देखें, ताकि अगर कोई बाई चांस कोई इस बीमारी से इन्फेक्टेड है तो बीमारी हमारे प्रदेश में ना फैल सके, इसलिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं। हमारी जो मंडियां थी, पिछली बार 14 मंडियां थी पूरे ज़िले में, इस बार 90 से ऊपर मंडियां हमने बनाई हैं। 50 किसान दोपहर के बाद आएंगे और 50 किसान दोपहर से पहले आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, प्रॉपर 1,00,000 हमने मास्क का प्रबंध किया है ताकि सभी किसान, व्यापारी, आड़ती, कर्मचारी सभी मास्क का प्रयोग करें। और साथ में हमने सैनिटाइजर्स को भी उपलब्ध करवाए हैं ताकि बार बार सैनिटाइज करते रहें और हमारी प्रोक्योरमेंट भी अच्छे ढंग से हो जाए, किसी को दिक्कत ना हो
और साथ साथ सभी स्वस्थ भी रहें, ऐसी हम आशा करते हैं। सर, 21 दिन के लॉकडाउन के हम अंतिम फेज में, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो प्रशासन का क्या कुछ बैकअप प्लान है, किस तरह की तैयारी है? सर देखिए, हमने पूरी तैयारी की हुई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ का हम डेली स्टॉक देखते हैं। जो 23 मार्च को एसेंशियल कमोडिटीज़ हमारे पास थी, उनमें कमी नहीं आई है। चाहे आटा है, चाहे दाल है, चाहे सब्जी है, चाहे दूध है, चाहे चीनी है, सभी चीज़ों के अंदर कोई कमी नहीं आई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, जो सरकार के आदेश होंगे हमारी पूर्ण तरह से तैयारियाँ हैं। और मैं आश्वस्त करता हूँ सभी जिलावासियों को, किसी को भी किसी एसेंशियल कमोडिटी की या किसी मेडिसिन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसमें सबको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा, जिनकी तारीफ खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर चुके हैं। तो ऐसे में अंबाला की जनता से हमारी यही अपील है कि आप लोग संयम बरतें, घरों से बाहर ना निकलें। बेहद ज़्यादा जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिएगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण आपके साथ आपके घर तक तभी पहुंचेगा अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।